तो अर्ज किया है, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, इंग्लिश चैनल क्या चीज है, मैं हवाई जहाज के टायर से लटक कर लंदन पहुंच जाऊं। ये इंग्लिश चैनल टीवी वाला इंग्लिश चैनल नहीं है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा जो ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है वो वाला इंग्लिश चैनल है। और हवाई जहाज के टायर से लटकने के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ताजा ताजा है दिमाग में। तो इसी बात पर एक और शायरी अर्ज करता हूँ, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, शिद्दत इतनी कि इलीगल माइग्रेंट बन जाऊं। कुछ ऐसी ही सीख देती नजर आई हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी शिद्दत जर्नी बियॉन्ड लव। फिल्म चार किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। मोहित रैना एक IFS ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं और नाम है गौतम। डायना पेंटी जो कि सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभा रही हैं और मोहित रैना की बीवी हैं, नाम है ईरा। राधिका मदन एक एथलीट और लंदन के किसी बड़े वकील की औलाद की भूमिका निभा रही हैं और नाम है कार्तिका। और हाँ, वो एक स्विमर भी है। आखिर में फिल्म के मेन हीरो सनी कौशल, विकी कौशल के छोटे भाई, वो एक हॉकी प्लेयर और शिद्दत से भरे आशिक की भूमिका निभा रहे हैं। उनके किरदार का नाम है जोगिंदर ढिल्लो उर्फ जग्गी दिल। वैसे कुछ को छोड़ दिया जाए तो हमें किरदारों के नाम याद कहां रहते हैं, लेकिन इस फिल्म के किरदारों का नाम इसलिए भी बताना जरूरी था क्योंकि भरोसेमंद IMDB इस बारे में गलत जानकारी दे रहा है। देखिए, यहां सारे नाम गलत दिए गए हैं। Didn't expect this from IMDb. I hope कि जल्दी ही ये इस गलती को सुधार लेंगे। उसी बात पर एक और शायरी याद आ रही है, अर्ज किया है कि इश्क तो सभी करते हैं जनाब, हमारे भी छूटे थे पसीने और निकला था तेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। इस फिल्म के बारे में सबसे पहले आपको पॉजिटिव बातें बता दूं, इस फिल्म के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। क्या होता है ये प्यार, कैसे निभाते हैं इसे? हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है शिद्दत। वन लाइनर्स भी काफी मजेदार हैं। कुछ डायलॉग्स कुछ ज्यादा ही बोल्ड हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन आज के जमाने में यूथ ऐसे ही बात करता है, तो सच्चाई दिखाने में कोई बुराई तो नहीं है, खास तौर पर तब जब उससे फिल्म का फन एलिमेंट इंक्रीज हो रहा हो। वैसे आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपके डिसएग्रीमेंट में मेरा अग्रीमेंट छुपा हुआ है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी में अच्छे गानों का होना बेहद जरूरी है, तो फिल्म के गाने अच्छे हैं और आपकी जुबान पर चढ़ भी गए होंगे। फिल्म में इंडियन स्पोर्ट्स के कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर्स ही सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब देख सकते हैं, हॉकी जैसे बाकी स्पोर्ट्स वालों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी से तसल्ली करनी पड़ती है। फिल्म में चुने गए लोकेशंस काफी खूबसूरत हैं, इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, यहाँ आपको तीन देशों का जायका देखने को मिलता है। फिल्म देखने के बाद सनी कौशल आपको याद रह जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर उनकी पंजाबी हरियाणवी में बदल जाती है। बड़े भैया विकी कौशल के लेवल को टच करने के लिए अभी सनी कौशल को टाइम लगेगा। फिल्म की कास्टिंग काफी अच्छी है, कास्टिंग वालों की पारखी नजरों ने बिल्कुल सटीक कास्ट चुनी है। ये तो हो गई मीठी मीठी बातें, अब बात कर लेते हैं फिल्म के नेगेटिव्स की। ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें दो पैरेलल लव स्टोरीज चल रही हैं, एक सनी कौशल और राधिका मदन की और दूसरी मोहित रैना और डायना पेंटी की। लेकिन दोनों जोड़ी में मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मेल एक्टर्स को दिया गया है, खास तौर पर डायना पेंटी को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। आपको याद होगी उनकी हैप्पी भाग जाएगी और कॉकटेल जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण तक को आउटशाइन कर दिया था, लेकिन इस लव स्टोरी में उनका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली मिसिंग है। फिल्म में न्यूडिटी भी दिखाई गई है, लेकिन इस बार न्यूडिटी ऑपोजिट जेंडर की ज्यादा है। हालांकि इन सीन्स को ब्लर कर दिया गया है, लेकिन इसी बहाने आपको सनी कौशल के सिक्स पैक्स देखने का मौका तो मिल गया। हमें मोहित रैना से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो सिर्फ एक सपोर्टिव कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। इससे पहले भी उरी में विकी कौशल के साथ उन्होंने सपोर्टिव कैरेक्टर ही प्ले किया था। मजेदार बात यह है कि मोहित और डायना की जोड़ी हमारा उस डर से सामना करवाती है जिसके बारे में आज का यूथ सोच सोच कर मरे जा रहा है कि अगर किसी राइट विंगर की लेफ्ट विंगर से शादी हो गई तो उनका कैसे निभेगा। अगर ये मजा भी चाहिए तो शिद्दत से शिद्दत देख लो। वैसे मोहित रैना की बॉलीवुड में एंट्री के बारे में सोचते हुए एक और बात का डर लगता है। सुशांत और सिद्धार्थ भी टीवी से आए थे और अब मोहित बड़े पर्दे पर छा रहे हैं।
दुआ है कि उन्हें नजर ना लगे। राधिका मदन जो कि हमारे हीरो की जलपरी हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी। हालांकि ये रोल उन पर सूट करता है, लेकिन फिर भी कमी रह गई। घड़ा अभी कच्चा है, पकने में टाइम लगेगा। अब करते हैं मुद्दे की बात। फिल्म में मोहित रैना का कैरेक्टर एक पढ़ा लिखा, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, सुलझा हुआ इंसान है। आप कह सकते हैं कि ही इज अ मैन विद अ प्लान। वही इसके ऑपोजिट सनी कौशल का कैरेक्टर एक लापरवाह, बेपरवाह, इश्क में डूबा हुआ ऐसा आशिक है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक बार तो वो DDLJ नहीं, डर वाला स्टॉकर शाहरुख खान भी लगता है, और उसमें बेवकूफी इतनी है कि एक सीन में लोग उस पर लात घूंसे बरसा रहे होते हैं और वो फोन पर लगा पड़ा होता है अपने प्यार से बतियाने में। फिल्म ऐसे यूथ को जस्टिफाई करती है और मोहित रैना के मैच्योर कैरेक्टर को नेगेटिव शेड में दिखाने की कोशिश करती है और बताती है कि उफ, तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श सब खोखले हैं। सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म इलीगल माइग्रेंट्स को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करती है। आई लव यू यार, फिल्म में इतनी बार आई लव यू बोला गया है कि ये लाइन प्रूफ करवा के मानती है कि हाँ भाई, ये 90s की DDLJ से भी बड़ी वाली लव स्टोरी है। साथ ही ये फिल्म ये भी जताने की कोशिश करती है कि आखिर राज और सिमरन का शादी के बाद क्या हुआ होगा, क्या उनका प्यार यूं ही बरकरार रहा होगा, या फिर घर घर की कहानी की तरह लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया होगा। नई पीढ़ी की ये कहानी 90 के दशक में परिवार को महत्व देने की भूल को सुधारने की कोशिश करती है, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि परिवार से ज्यादा खुद को तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ प्यार के लिए शादी नहीं होती। कार्तिका, अगर तुझे ऐसा लगता है ना, तो तूने सच्चा प्यार देखा ही नहीं। हीरो हीरोइन को शादी के बारे में गलत प्रूफ करना चाहता है, और हीरोइन एक रियलिस्ट है जिसे शादी की सच्चाई मालूम है। फिल्म में एक अल्टरनेट एंडिंग भी दी गई है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से एंडिंग पसंद कर सकते हैं। डायरेक्टर कुणाल देशमुख ने अगर शिद्दत थोड़ी और शिद्दत से बनाई होती तो आज इसे 2 स्टार्स नहीं मिल रहे होते। तो शिद्दत को मिलते हैं 2 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। DM करने के लिए हमें Instagram पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।